अभी देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैंसी सेठी। लोकसभा चुनाव 2019 की ये सरगर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, छठा चरण होने वाला है, तो ऐसे में नेता जो हैं अब काफी ही घबरा रहे हैं, क्योंकि जनता के हाथों में है फैसला कि देश की जनता किसे उस राजगद्दी पर बिठाएगी। मगर अगर वहीं यहाँ पर जनता की बात करें तो जनता भी दो भागों में बट चुकी है, एक है मुस्लिम जनता और एक है हिंदू जनता। इसे बांटा गया है राजनीति के चक्कर में। अगर हम मुस्लिम जनता की बात करें तो मुस्लिम जनता ज्यादातर यहाँ पर बीजेपी के अगेंस्ट ही देखी जाती है और उन्हें कांग्रेस का साथ ही पसंद है। और अगर वही हम हिंदू जनता की बात करें तो हिंदू जनता बीजेपी का सपोर्ट करती है, क्योंकि बीजेपी ज्यादातर हिंदूवाद करती देखी गई है। अब ऐसे में हाल ही में जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि वाराणसी के मुसलमानों का नरेंद्र मोदी पर फैसला आया है। हालांकि कई ऐसे मुस्लिम वर्ग भी हैं जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, मगर इसी बीच कई ऐसे मुसलमान भी हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। वो नरेंद्र मोदी को सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सत्ता की कमान फिर से 5 सालों के लिए संभाले। अब ऐसे में तमाम चीजें हैं जो छठे चरण से पहले ही उठती हुई देखी जा रही है, और वाराणसी सीट जो है वो नरेंद्र मोदी का गढ़ कहा जाता है, ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से यहां पर वाराणसी की जनता पीएम से प्यार करती है तो कहीं ना कहीं वहां पर मुस्लिम जनता भी है। अब ऐसे में हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्या फैसला है मुसलमानों का और क्या सारी चीजें चल रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2019 अपने छठे चरण की ओर बड़ी ही तेजी से बढ़ता देखा जा रहा है। जी हाँ, 5 चरण पूरे हो चुके हैं और छठा चरण भी 12 तारीख को हो जाएगा। ऐसे में महज सिर्फ 2 चरण ही रह चुके हैं, छठा और सातवां, और 23 मई को वो खास दिन, वो बड़ा दिन होगा जब फैसला सामने आएगा कि आखिरकार कौन सी सीट किसके खेमे में आई और आखिरकार राजगद्दी किसके हाथों में गई। अब ऐसे में हाल ही में कहीं ना कहीं तमाम चुनावों के बीच देखा जा रहा है कि तमाम ऐसी सीटें हैं जो अहम बताई जा रही हैं, जैसे कि वाराणसी सीट काफ़ी अहम सीट है, अमेठी सीट काफ़ी अहम सीट है, रायबरेली सीट काफ़ी अहम है, सुल्तानपुर सीट काफ़ी अहम है। ऐसे में कुछ ऐसी अहम सीटें हैं जिस पर जीत हासिल हर एक पार्टी का नेता चाहता है, चाहे हम सत्ता में आई पार्टी बीजेपी की बात करें या फिर विपक्षी पार्टी कांग्रेस या फिर अन्य पार्टी की बात करें। अब ऐसे में कहीं ना कहीं देश की जनता भी दो हिस्सों में बट चुकी है और ये दो हिस्सों में बांटने का सिलसिला राजनीति से ही शुरू हुआ। अगर हम बात करें जनता के दो हिस्सों की, पहला हिस्सा मुसलमान जनता, दूसरा हिस्सा हिंदू जनता। कहीं ना कहीं मुसलमान और हिंदू राजनीति के कारण बढ़ चुके हैं। अब ऐसे में यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अगर मुस्लिम जनता की बात करें तो मुस्लिम जनता जो है ज्यादातर अपना सपोर्ट जो है वो कांग्रेस को करती है, क्योंकि मुस्लिम जनता को लगता है कि कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार है जिसके शासन में, जिसके राज में मुसलमानों की सुनी जाती है। अब वहीं अगर हिंदू जनता की बात करें तो हिंदू जनता बीजेपी को सपोर्ट करती है, क्योंकि बीजेपी पार्टी में हिंदुत्व काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, हिंदुवाद भी आप सभी सुनते हैं और तमाम चीज़ें भी हम सभी ने देखी है। मगर इसी बीच वाराणसी से भी कई तमाम ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जो वाकई ही आप सभी को हैरान कर देंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये हम पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि सारी हिंदू जनता सिर्फ बीजेपी को ही सपोर्ट करती है या फिर पूरी मुसलमान जनता कांग्रेस को। कई ऐसे मुसलमान जनता भी है जो बीजेपी को सपोर्ट करती है और कई हिंदू जनता है जो कांग्रेस को। अब अगर हम वाराणसी में कहा जा रहा है कि 80 मुस्लिम घरों में 45 हिंदू मंदिर मिले हैं, जी हाँ, कहीं ना कहीं ये खबर काफ़ी तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार ने रास्ते में पड़ने वाले 80 मुसलमान घरों को खरीद लिया है। जिन लोगों ने ये वीडियो जारी किया है उन्होंने लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा नदी तक
सड़क को चौड़ा करने के लिए मोदी ने 80 मुसलमानों के घरों को खरीद लिया। जब उन्होंने इन घरों को साफ करना शुरू किया तो इन घरों के अंदर 45 पुराने मंदिरों की खोज की गई है। यकीनन ही कहीं ना कहीं ये राजनीति के उस पे दो जनता को बांटा गया है। अगर हम इस देश की जनता की बात करें तो इस देश में तमाम धर्म रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो या फिर ईसाई हो, और हर धर्म को यहाँ पर बराबर की मान्यता दी गई है। मगर राजनीति पलड़े में भारी अपने आप को दिखाने के लिए देश की जनता के दो हिस्से कर दिए। अगर ऐसे में वाराणसी मुसलमानों की बात करें तो वाराणसी मुसलमान कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम ट्वीट भी कर रहे हैं। यहाँ पर कई मुसलमान जो हैं वो नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं, तो कई मुसलमान यहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस का साथ देते दिखे। खैर, मुसलमान जनता किसका साथ देगी और किसका नहीं, ये नतीजों के दौरान देखा जाएगा। हमने जिस तरह से यहाँ पर आपको वाराणसी का आंकड़ा बताया है कि 80 मुस्लिम घरों को यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने खरीदा और 80 ही मुस्लिम घरों के अंदर 45 पुराने मंदिर भी मिले हैं। अब ऐसे में मुसलमानों का मोदी के खिलाफ ये जो रिएक्शन होगा, ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, ये 23 मई को फैसलों के दौरान देखा जाएगा। मगर अगर वैसे देश के मुसलमानों की बात करें तो हम जब ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग पर गए थे तब हमें साफ तौर पर ये देखा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ है ये चीज़ें कि मुसलमान जनता जो है नरेंद्र मोदी से खुश भी है और कहीं खफा भी। खैर, ये नतीजों पर ही पता लगेगा कि क्या जो जनता खफा थी वो नरेंद्र मोदी को अब दोबारा मौका देगी या फिर पूरी सियासत पलटेगी। देखा आपने कि किस तरह से मुस्लिम आदि जनता तो सपोर्ट में है, मगर फिर भी कई ऐसी मुस्लिम जनता है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। हालांकि अगर पीएम की बात करें तो वो पूरी जनता को लेकर अपना भाषण देते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, नरेंद्र मोदी जनता और देश के बारे में सोचते हैं। अब ऐसे में इस तरह का मुसलमानों का यूं फैसला आना, यूं उनकी नाराजगी हर वक्त देखे जाना, कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि क्या जो नतीजे आएंगे उसमें मुसलमानों का ऐसे नाराज होना साफ तौर पर देखा जाएगा या फिर इस बारे भी मुस्लिम जनता पीएम को एक और मौका देगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।